तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिस वेबसाइट का यूज़ करके आप यहाँ से पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो। तो इस वेबसाइट में भी आपको यहाँ से टाइपिंग की जो जॉब है मिलने वाली है, यहाँ से आप ट्रांसलेटर की जो जॉब है वो कर सकते हो। तो जब चलते हैं गूगल पे, गूगल पे आपको लिखना है translator.com। साथ ही साथ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके सिंपली वेबसाइट पर आ सकते हैं। साइड में आप देख लीजिएगा, मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट आपको दिखा भी दे। एंड गाइस, जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो ये वेबसाइट का होम पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाना है, आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा कैरियर का। कैरियर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा। सबसे आपको फिर इस पेज पर आपको थोड़ा बहुत नीचे आपको स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पेज दिखेगा फ्रीलांस ट्रांसलेटर का। आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको चाहे तो रीड कर सकते हैं। नीचे आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड गाइस, जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो पेज है वो खुल के आ जाएगा। इस पेज पर आपको रजिस्टर एज ए ट्रांसलेटर पर आपको जो फॉर्म है वो फिलआउट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम देना है, लास्ट नेम देना है, ईमेल आईडी देना है, पासवर्ड देना है, और साथ ही साथ नीचे आपको इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको एक्सेप्ट करना है। जैसे आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो नीचे आपको रजिस्टर टू कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर चार स्टेप्स आएंगे। इन चार स्टेप्स को आपको क्लियर करना है, तभी आप यहाँ पे आगे जो काम कर सकते हैं। एंड गाइस, जैसे आप लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस पूछेगा, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे क्लिक करना है। साथ ही साथ आपसे पूछेगा कि आपने यहाँ पे कितने साल काम किया हुआ है, तो यहाँ पे जो भी आपका एक्सपीरियंस है, एक साल, दो साल, तीन साल, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड गाइस, आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आपको जो 12 मंथ में आपने कितने जो वर्ड्स हैं उनको ट्रांसलेट किया है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई सर्विस है, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उसको भी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो रिज्यूम है वो यहाँ पे अपलोड करना है। तो जो भी आपका रिज्यूम है उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपके पास रिज्यूम अपलोड नहीं करना चाहते तो सिंपली यहाँ पे एक बटन दिखेगा आपको स्किप नाउ का, तो स्किप नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे यहाँ पूछेगा आपकी जो भी लैंग्वेज है, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो यहाँ पे डालनी होती है। एंड गाइस, सेकंड स्टेप में सबसे पहले आपसे सोर्स पूछेगा, तो कौन से सोर्स में आप यहाँ पर ट्रांसलेट करके देने वाले हो। तो जो भी आपके सोर्स है, जो भी आपकी जो लैंग्वेज है सोर्स का, इंग्लिश है, हिंदी है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पर रेट पूछेगा, जो भी आप रेट लेना चाहते हो क्लाइंट से वो रेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड गाइस, नेक्स्ट सबसे पूछेगा कि इस लैंग्वेज में हमने कितने वर्ड्स आपने ट्रांसलेट किए हैं। एंड गाइस, उसके बाद आपसे पूछेगा जो भी आपकी स्पेशलाइज जो सब्जेक्ट फील्ड है उसको आपको सेलेक्ट करना है। एंड गाइस, लास्ट में आपसे पूछेगा कि आपको और भी कोई लैंग्वेज आती है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको नो थैंक्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पे जा सकते हैं। अब हम पहुंच जाएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पर सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे थर्ड स्टेप में सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो होगा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। अनदर क्वेश्चन भी आप इसके स्किप कर सकते हो, अगेन आप स्किप कर सकते हो। एंड गाइस, थर्ड स्टेप में जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आपको मालूम है तो आप डाल दीजिएगा, अदरवाइज आप उनको स्किप कर सकते हैं। एंड गाइस, लास्ट में आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछेगा, उसके बाद आपकी सिटी पूछेगा, उसके बाद आपका फोन नंबर पूछेगा। फोन नंबर में आपके OTP आएगा, OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद सिंपली आपको जो अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। एंड गाइस, लास्ट में वेलकम का मैसेज आ जाएगा। सिंपली आपको लेस स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप लेस स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको जो एप्लीकेशन जो भी आपने अभी सबमिट किया है तो वो चल जाएगा रिव्यू के अंदर। एंड गाइस, लास्ट में जो आपके जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चल जाएगा। रिव्यू में आपको यहाँ पे कुछ टाइम लग सकता है, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। एंड गाइस, लास्ट में इसमें पेमेंट मेथड की बात करते हो तो यहाँ पे आप दो तरीके से पैसे को ले सकते हो, एक ले सकते हो वायर ट्रांसफर के थ्रू और एक ले सकते हो पेपल के थ्रू। एंड गाइस, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन रिव्यू में चल जाएगी तो उसी समय आप अपनी पेमेंट की डिटेल्स उसको आप मेंशन कर सकते हो। एंड गाइस, इसमें पेमेंट जो है वो आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट मिलने वाला, जो आप इस महीने काम करेंगे वो अगले महीने की 5 से 10 तारीख के बीच में आपको पेमेंट जो है मिल जाएगा। तो हर मंथली बेसिस पे पेमेंट आपको देने वाले। अब ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको 3 लाइंस देखने के लिए मिल जाएगा। 3 लाइंस पर क्लिक करना है, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है उसमें लिखा है जॉब, और यहाँ पे जॉब पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स यहाँ पे आती रहती है, तो आप यहाँ पे जॉब्स भी है वो भी आप ले सकते हो। एंड गाइस, जब बात कर लेते हैं यहाँ पे मिनिमम ट्रांसफर की, तो मिनिमम ट्रांसफर अगर आप सेपे एरिया से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे मिनिमम ट्रांसफर 10 यूरो का है। अगर आप यहाँ से स्विफ्ट कोड के थ्रू बैंक पे पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ पे मिनिमम जो ट्रांसफर है वो 50 यूरो का है। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। तो इस वीडियोज़ में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।